गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम एसपी गुप्ता फ्रॉम सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया। क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को क्लास रियल नंबर्स से रिलेटेड यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम और यूक्लिड डिविजन्स लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। क्वेश्चन देख रहे हैं, सो दैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट। एन स्क्वायर माइनस वन एट से डिविजिबल होगा। कंडीशन है इफ एन इज ऑड इंटीजर। क्वेश्चन प्रूव करना है कि एन स्क्वायर माइनस वन एट से डिविजिबल है। व्हेन ये एट से डिविजिबल है, कंडीशन से अप्लाइड है इफ एन इज ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वांटिटी डिविजिबल है एट से इफ एन इज ऑड। सो वी नो दैट इफ एन इज ऑड देन वी टेक एन इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन आर फोर क्यू प्लस थ्री, वेयर क्यू इज एनी होल नंबर। होल नंबर मीन्स दैट इज क्यू इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, मीन्स क्यू इज नॉन निगेटिव इंटीजर। होल नंबर को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्लास में एन अगर ऑड है तो उस क्वेश्चन से डिस्क्राइब किया था, फोर क्यू प्लस वन फॉर्म में होगा या फोर क्यू प्लस थ्री फॉर्म में होगा। तो इसीलिए ये आपका नॉन रिजल्ट बन चुका है कि इफ एन इज ऑड देन वी टेक एन इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री, इसको वेरीफाई हो जाइए। अगर हम फोर क्यू प्लस वन लेते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या यह ऑड है कि नहीं। Q इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं, वन टू थ्री लेते हैं, तो देखिए फोर इंटू जीरो प्लस वन दिस इज वन ऑड। अगर हम इसको वन लेते हैं तो फोर इंटू वन प्लस वन फाइव, टू लेते हैं तो फोर इंटू टू प्लस वन नाइन, ऑड इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री पर भी देखेंगे क्यू इक्वल टू जीरो वन टू थ्री पे, तो ये हमारा ऑड इंटीजर्स का ही फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन वी टेक एन इक्वल टू फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री, वेयर क्यू इज एनी होल नंबर। होल नंबर मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद आते हैं, अब हमें अगर ये ऑड है तो हमने इसको इस फॉर्म में सपोज कर लिया। अब ये दिखाना है कि जो मेरी क्वांटिटी एन स्क्वायर माइनस वन है वो एट से डिविजिबल है। चेक करते हैं, नाउ एन स्क्वायर माइनस वन एन की प्लेस पे फोर क्यू प्लस वन, इसका स्क्वायर माइनस पुट अप कर दिए। इसमें केस बना लीजिए, केस फर्स्ट व्हेन एन इक्वल टू फोर क्यू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन। अब ये चीज कहेंगे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन क्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस टू फोर क्यू इंटू वन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस एट क्यू माइनस वन। ये वन से वन कैंसिल हो गया, सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू। अब इसमें से एट कॉमन ले सकते हैं, एट क्यू तो ये मिलेगा टू क्यू प्लस वन। ये है इतना तो क्लियर हो रहा है। एल के प्लेस पे फोर क्यू प्लस वन पुट कर दिए, माइनस वन ये है। फोर क्यू प्लस वन का स्क्वायर किया जाना किससे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर मेथड से। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो हमने फोर क्यू का होल स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटीन के स्क्वायर, वन का होल स्क्वायर वन, टू ए की प्लस में फोर क्यू बी की प्लस, और ये जो वन है ये राइट जाएगा। अब देखें सिक्सटीन के स्क्वायर वन, ये टू फोर एट क्यू प्लस,
माइनस वन प्लस वन कैंसिल, 16 क्यू स्क्वायर प्लस 8 इन दोनों टर्म में मैक्सिमम कॉमन क्या दिखेगा, 8 क्यू। 8 क्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 8 क्यू कॉमन करते फिर डिवाइड करेंगे तो 2 क्यू मिलेगा, 2 क्यू प्लस 1 ये मिल गया आपको। किसी भी टर्म्स के 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशंस क्या पहले जानेंगे, कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, ए अगर 8 से डिविजिबल होगा तो हमारी कंडीशंस क्या होगी कि ए इक्वल टू 8 इंटू सम इंटीजर आना चाहिए। सपोज दैट 56 है, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स कैंसिल होगा, तो अब 56 को क्या लिखना है, 8 into 7। तो 56 इट्स डिवाइडेड बाय 8 ओनली व्हेन 56 इज इक्वल टू 8 into 7। क्या है, सब इंटीजर्स ही है ना, कोई इंटीजर्स है नहीं इंटीजर्स, तो ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। अगर कोई इंटीजर्स किसी से डिवाइड होता है तो उस क्वांटिटी को 8 इंटू अदर सम इंटीजर्स राइट होना चाहिए। सो यहां पे चेक करिए, यहां पे आप देख रहे हैं क्यू इज एनी इंटीजर, सिंस क्यू इज एनी इंटीजर देयरफॉर एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्यू क्या आपका इंटीजर, इंटीजर इंटीजर में क्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटीजर से वो भी इंटीजर है, तो क्यू भी इंटीजर हुआ प्लस 1। अब देखिए 8 इंटू इंटीजर, इंटीजर में 1 ऐड करेंगे वो भी इंटीजर, फिर इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन पे इंटीजर ही मिलता है, तो 8 इंटू इंटीजर। तो अब स्थिति क्या होगी कि 8 इंटू सम कुछ भी ले सकते हैं, उसकी वैल्यू कुछ भी होगी, सम इंटीजर्स। तो अब हमारे एन स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आई है 8 इंटू सम इंटीजर्स आ गया, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, तो यहां पे क्लियर प्रूव होगा कि इफ एन इज आर देन एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। तो उसमें आप स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने दो केसेस यहाँ पे लिया है कि n की वैल्यू 4q+1 भी हो सकती है, 4q+3 भी हो सकती है, तो 4q+3 पर भी इसको वेरीफाई करा देते हैं कि 8 से डिविजिबल है। सो नेक्स्ट केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, व्हेन व्हेन एन इक्वल टू 4q+2 देयरफॉर एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q, एन के प्लेस पे 4q+3 राइट करिए, इसका स्क्वायर हो गया फिर माइनस 1। अब इसको ए प्लस बी के जो होल स्क्वायर इस मेथड से ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखें 4q+3 है, तो उस मेथड से इसको ब्रेक करेंगे, 4q का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लस भी 4q इंटू बी का होगा 16q² प्लस 9 प्लस 2 फोर द 8 इंटू 3 ये होगा 24। सो 4q+3 के होल स्क्वायर प्लस तुम ही राइट कर दे, देयरफॉर एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16q² प्लस 9 प्लस 24q माइनस माइनस कर लिए, अब ये होगा 16q² प्लस 24q, इसको राइट कर दे 9 में से 1 निकला आपका 8 हो गया। अब इसमें स्केल करें कि इन तीन टर्म्स में कॉमन क्या है, मैक्सिमम
एक काम है, अब ये हुआ टू क्यू स्क्वायर, ये थ्री क्यू प्लस वन। अब देखिए एट इंटू ये इंटीजर्स है स्टूडेंट्स, क्यू इज इंटीजर्स, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर्स, इंटीजर में टू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटीजर्स, तो ये हमारा हुआ इंटीजर। क्यू इंटीजर से इंटीजर में थ्री का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, थ्री भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर से क्या आएगा इंटीजर, प्लस वन ये भी क्या है इंटीजर ही है। अब इंटीजर को ऐड करेंगे इंटीजर ही आने वाला है, तो एट इंटू अब कौन सा इंटीजर आएगा ये नहीं, लेकिन कोई इंटीजर ही आएगा, सम एनी इंटीजर। तो अभी हमने बताया कि ए इज डिवाइडेड बाय एट, ए इज डिविजिबल बाय एट, ए इक्वल टू एट इंटू सम एनी इंटीजर्स। इसको आप एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस करके देखे थे कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर इक्वल टू वो इंटू सम एनी इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे ए इज डिविजिबल बाय एट, इसका मतलब ए इक्वल टू एट इंटू सम इंटीजर्स आएगा कंफर्म। अगर प्लस इसके आगे रिमाइंडर हो जाएगा तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट इफ एन इज आई। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, और हम इसके बाद एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, उस पर आप पहुंच सकते हैं। क्वेश्चंस हैं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म पी एम आर पी एम प्लस वन और सम इंटीजर। सो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चंस मैंने राइट कर दिया है, यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा so that square of any positive integers, any positive integers, इस integers में odd और ये events का discussion नहीं हुआ है, using Euclid division lemma so that square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 form of integers, हम ये prove करना है। ये questions start करते हैं, let a be any आर्बिट्री, हम यहां पे आर्बिट्री वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी, इसी आर्बिट्री वर्ड यहां पे यूज किया गया, लेट ए बी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, वी टेक
बी इक्वल टू थ्री। अब स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि इस तरफ ने बी इक्वल टू थ्री क्यों ले लिया, तो इस बात को हम क्लियर कर दें, वी के बी इक्वल टू थ्री बिकॉज द फॉर्म इज थ्री एम आर थ्री एम प्लस वन। हमें b इक्वल टू थ्री लेने के पीछे रीजन यही है कि जो मेरा फॉर्म है वो 3m है या 3m प्लस 1 है। आप यहां से कंपेरिजन करें बी क्यू प्लस आर, अगर हमारा फॉर्म 3m है तो b की वैल्यू 3 आ रही है, अगर a इक्वल टू 3m प्लस 1 है तो उससे भी कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 3 हो रही है। तो b इक्वल टू 3 लेने के पीछे रीजन सही है कि मेरा फॉर्म ही 3m या 3m प्लस 1 है, सो b टेक b इक्वल टू 3। इसमें कोई डाउट नहीं b इक्वल टू 3 क्यों लिया, कि आप समझ गए होंगे। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं, देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए आर्बिट्री पास्ट इंटीजर ए कैन बी रिटेन एज बी क्यू प्लस आर होता है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी क्यू वैल्यू थ्री क्यू प्लस आर। कौन कौन? थ्री क्यू प्लस आर। वेयर इस पे कंडीशंस क्या होती है, Q and R whole numbers होते हैं, non negative integers बोलने का मतलब whole numbers, whole numbers such that, ये confirm ही non negative का मतलब whole number है, whole numbers such that R की जो value है, ये जो remainder हमारा R है वो less than B होता है but greater than equal to 0 होता है। तो यहाँ पे जो R की value है वो less than B, B is 3 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। सो इस कंडीशन को कॉन्सेप्ट टेक करिए, आर की वैल्यू थ्री से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थ्री से लेस एंड जीरो एंड जीरो से ग्रेटर, तो जीरो हो सकती है वन और टू, थ्री नहीं हो सकती क्योंकि थ्री से लेस है। तो हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर जीरो वन एंड टू। Hence, possible values of R are 0, 1 and 2. ये three possible values, इससे ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि हमारी जो R conditions है R less than 3 है, less than 3 का मतलब integer 2 तक जाएंगे, 0 से greater और 0 के equal भी है तो 0, 1, 2 आ रहा है। तो अब हम इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज पर केस कंसीडर करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, वेल आर इज जीरो, आर इज जीरो पे ए की वैल्यू क्या हुई, ए इक्वल टू ये देखिए थ्री क्यू प्लस जीरो, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू थ्री क्यू। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाना क्या है, using Euclid divisions lemma so that square of any positive integers, हमारा positive integers a equal to 3q आ गया for any non-negative integers q means whole numbers, तो a की value 3q। अब हम a square check करते हैं, a square equal to 3q का whole square, this is equal to 9q square, इसको हम 3 write कर ले ऐसे into में तो फिर 3q square add कर सकते हैं, this is equal to 3 into m, where m क्या हमें लिया m equal to 3q square। देखिए ये जो आपका 3q square है ये condition है for sum integers, तो ये sum integers ही हो रहा है, m equal to 3q square sum integer। so अभी check हो गया कि a square किस form में है, 3m है, where m है क्या 3q square, 3q square क्या है sum integers है, क्योंकि integer का square integer होगा, 3 से multiplication करेंगे फिर integer आएगा, तो ये जो m की value 3q square है sum integers ही है। तो फर्स्ट केस पे आपने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है वो 3m फॉर्म पे ही आ रहा है। नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस नंबर टू,
केस नंबर टू का मतलब है आर की हमने थ्री पॉसिबल वैल्यूज निकाली थी, जीरो वन टू, अब हम वन पे लेते हैं, व्हेन आर इज वन देन बी इक्वल टू सी क्यू प्लस आर मीन्स वन, सॉरी ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर चेक किया जाए थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर करिए नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस टू थ्री क्यू इंटू वन, ए की वैल्यू थ्री क्यू प्लस वन हो गई, उसका स्क्वायर कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए का स्क्वायर प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू फॉर्मूले में ए के प्लस के थ्री क्यू बी के प्लस के वन, ये मेरा मिला है नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स क्यू। अब हम इसमें से नाइन क्यू स्क्वायर और सिक्स क्यू को ऐसे एडजस्ट करते हैं, प्लस वन यहाँ पे ऐसे छोड़ देते, इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं थ्री वन ही थ्री, तो ये मेरा मिलेगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन। सो अब देखिए दिस इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, वेयर एम की वैल्यू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, ये सब इंटीजर्स ही होगी। देखिए स्टूडेंट्स अपने माइंड में कंफ्यूजन ना रखें, एम की वैल्यू अलग कर दीजिए, हमारा एम कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कोई सम इंटीजर्स ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमने इसको इस तरीके से रखा है उसमें देख लीजिए कि ये हमारा जो थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू है ये सब इंटीजर्स आ रहे हैं, ये क्यों इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, थ्री से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटीजर हो जाएगा, क्यों इंटीजर है टू से मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटीजर, अब इंटीजर में इंटीजर ऐड होगा तो इंटीजर, तो एम की वैल्यू भी थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू आ रही है, वो सब इंटीजर से आ रही है, तो ये हमारा काउंट थ्री यहाँ पे एम प्लस वन। तो अब देख रहे हैं कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए था अगर उसका स्क्वायर किया गया तो वो थ्री एम प्लस वन फॉर्म में आया, ये भी क्लियर हो गया। अब एक केस हमारे और टू थ्री भी हम इसको वेरीफाई करके दिखा देंगे कि वो थ्री एम प्लस वन ही आएगा। सो नेक्स्ट वी टेक केस नंबर टू, केस नंबर टू और थ्री, ये आपका थर्ड केस होगा, केस नंबर थर्ड बनेगा आपका when r इक्वल टू टू, देयरफॉर a की वैल्यू थ्री क्यू प्लस टू। अब चलिए a की वैल्यू थ्री क्यू प्लस टू हो गई, हम इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर कर लीजिए, अब होल स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको आ रहा होगा थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, जैसे हम a का स्क्वायर करते हैं फिर b का स्क्वायर करते हैं, तो b के प्लेस पे टू है फिर टू थ्री क्यू इंटू टू, ये मिला नाइन क्यू स्क्वायर प्लस फोर प्लस ये हो जाएगा सिक्स क्यू, टू थ्री सिक्स में ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व क्यू। अब इसको हम नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस फोर, फोर को हमने दो पार्ट में राइट कर दिया थ्री प्लस फोर वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें से हम थ्री कॉमन लेते हैं, तो ये थ्री क्यू स्क्वायर फोर क्यू प्लस वन और ये प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, वे एम इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस फोर, ये भी कोई सारे इंटीजर्स ही होगा क्योंकि हमें सम इंटीजर्स यहाँ पे फोकस करेंगे और आप सम इंटीजर्स हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्यू स्क्वायर इंटीजर इंटीजर का में थ्री का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स, क्यू इंटीजर है फोर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर, वन भी इंटीजर है तो इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर सम इंटीजर्स किया जाए, वो क्या वैल्यू आ रही है उससे नहीं मतलब है, लेकिन सम इंटीजर्स ही होना चाहिए। यहाँ पे मेरा फॉर्म हो गया, यहाँ पे मैंने जो हमारा दिया थ्री एम प्लस वन, तो अब देख रहे हैं तीनों केसेस में हमें अगर ए अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसका स्क्वायर किया गया तो वो थ्री एम आर थ्री एम प्लस वन फॉर्म में ही आया है। तो अब आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि दस ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर,
इज आइदर ऑफ द फॉर्म पी एम में आया है या पी एम प्लस वन। सो स्टूडेंट्स जैसे देख रहे थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इजिली इसको डिस्कस किया गया है। आप कॉन्सेंट्रेट करिए, कॉन्सेंट्रेट जब करेंगे तो आपके पूरे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आप यूक्लिड डिविजन्स लेमा या यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जैसा कि देख रहे हैं, पहले आपको बताया गया कि फाइंड द सीएफ ऑफ टू आर मोर देन टू क्वांटिटी, उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। सो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करिए, वीडियो को देखिए, आपको सारे प्रॉब्लम्स कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। सो टुडे के लिए दैट्स ऑल, आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।